हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम सोन पापड़ी बना रहे हैं। उसके लिए कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे 2 टेबलस्पून घी, क्लेरिफाइड बटर 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मैदा और 1/4 कप बेसन, 1/2 कप ऑल पर्पस फ्लोर, 1/4 कप चिकपी फ्लोर और ग्राम फ्लोर। अब हम बेसन और मैदे को अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी, 1 टीस्पून क्लेरिफाइड बटर। बस हमें इतना ही घी इस्तेमाल करना है, 2 टेबलस्पून और 1 छोटा स्पून। तो ये मैं डाल रही हूँ 1 छोटा स्पून और घी, 1 टीस्पून क्लेरिफाइड बटर। बस इतना ही घी हमें इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और अब हम 20 मिनट लो गैस पे मैदे और बेसन को अच्छे से भून लेंगे। तो चलाते रहें इसको लो गैस पे, हाई फ्लेम पे मत करिएगा, बेसन जल जाएगा, सारा जायका ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे भी ना करें, लो गैस पे 20 मिनट चम्मच चलाते हुए इसे अच्छे से भून लें। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम चम्मच चलाते रहेंगे और मैदे और बेसन को अच्छे से भून लेंगे। जब तक इससे अच्छी खुशबू नहीं आ जाती तब तक इसको भूनते रहें। मैदे और बेसन की अच्छी खुशबू आ जाएगी जैसे ये भून जाएगा। अब हम इसको छान लेंगे, इससे अच्छी खुशबू भी आ रही है और देख रहे हैं आप कलर भी चेंज हो गया है, पहले से थोड़ा डार्क हो गया है। अब हम सारे बेसन और मैदे को छान लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें। सारा हम छान लेते हैं ताकि इसमें गुठली ना रहे, ताकि जब हम चीनी में इसे कोट करें तो आराम से कोट हो जाए। अच्छे से छान लें सारे बेसन और मैदे को। तो ये देखिए मैंने पूरा इसमें डाल दिया, तो ये देखिए मैंने पूरा मैदा और बेसन इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे छान रही हूँ स्पून की मदद से। आप गरम है, हाथ नहीं लगा सकती मैं, इसीलिए मैं चम्मच की मदद से और छन्नी की मदद से इसे छान रही हूँ। तो आप भी ऐसे करें जैसे मैं कर रही हूँ। अब ये छन गया, ये देखें थोड़े टुकड़े रह गए हैं, ये हम फेंक देंगे। तो अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। शुगर सिरप के लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी, 1/4 कप पानी। मेजरमेंट्स को फॉलो करें। तो 1 कप चीनी के लिए 1/4 कप पानी डालना है। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। तो अब हमें इसे चीनी को भी 20 मिनट तक पकाना है लो गैस पे, या जब तक इसका कलर डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, जैसे वैक्स बनाते हैं ना चीनी से, वैसे ही हमें इसे पकाना है लो गैस पे 20 मिनट। जल्दबाजी ना करिएगा, हाई फ्लेम पे कुकिंग नहीं करनी है, तो इसमें पेशेंस का काम है बहुत। तो लो गैस पे हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तब तक एक पैन लेते हैं और इसमें घी लगा देते हैं अच्छे से, ताकि जब हम चीनी का सिरप इसमें डालें तो वो चिपके नहीं। आप चाहें तो कोई नॉन स्टिक पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं घी लगाने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 3 बूंदें लेमन जूस की, नींबू का रस सिर्फ़ तीन ड्रॉप्स डालने हैं नींबू का रस, इससे ज़्यादा नहीं शुगर सिरप में। ये देखें इसका कलर पहले से डार्क हो गया है, मुझे पकाते पकाते 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसको। तो ये देखें उसने में ये कलर आया है, ये अब हम इसमें कलर डार्क गोल्डन ब्राउन हो गया है। ठंडा पानी रखेंगे बाउल में और 1 चम्मच ये शुगर सिरप उसमें डाल के देखेंगे। अगर ये पानी में डालने के बाद जब आप निकालें अगर इसका बॉल बने तो समझें ये तैयार है, और हमें ऐसा ही डार्क कलर चाहिए जैसे वैक्स बनती है वैसा। तो ये देखें इसका बॉल बन रहा है, ये देखें इसका बॉल बन रहा है, तो ये तैयार है। बस हम इसको निकाल देते हैं सिरप को। अब सिरप को आप इसी पैन में लगाएं डालें जिसमें हमने घी लगाया था, और सिर्फ़ 1 मिनट के लिए इसे ठंडा होने दें, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसे थोड़ा ठंडा देने देते हैं। अगर आप ज़्यादा ठंडा करेंगे तो ये पैन में ही जम जाएगा, फिर आपसे हैंडल नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा लकड़ी के चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहें, चलाते रहें, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। बहुत ही गर्म होता है इसे हैंडल करना। अगर आपके पास सिलिकॉन के ग्लोव्स हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी वही इस्तेमाल करें और आराम से बना लें। तो मैं चम्मच की मदद से इसे जल्दी जल्दी ठंडा कर रही हूं और मिक्स करती जा रही हूं।
देखें इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा इसको घुमाते रहें और देखेंगे अभी से ही कितने थ्रेड्स बनने शुरू हो गए हैं। अच्छे से थ्रेड्स बनेंगे इससे, लच्छेदार बिल्कुल। तो अब हम इसे, बहुत गर्म है, मैं हाथों में उठा ही नहीं सकती इसे। ये देखिए मैं उठा रही हूँ फिर गिरा रही हूँ नीचे, बहुत गर्म है मेरे। तो अब हम इसे दोनों हाथों की मदद से इसे खींचेंगे और दो नो एंड्स को आपको मिलाना है, और कोशिश करिएगा कि दोनों नॉट्स साथ में जुड़ी रहें और ये टूटे ना, बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है। और ये भुना हुआ आटा इसमें डालें और अब हम ये आटा इसमें मिलाते जाएंगे धीरे धीरे। ये देखें अब आटे को डालें इस चीनी का जो हमने बनाया है स्ट्रैंड्स, अब हम इसको कोट करेंगे आटे से। ये देखें कितने अच्छे से लच्छे बन रहे हैं, जितना आप ज़्यादा खींचेंगे उतने ज़्यादा बनेंगे, और ध्यान रहे कि ये टूटे नहीं आपस में, जोड़ें और आराम आराम से इसे खींचते रहें और फिर एंड्स को जोड़ें फिर खींचते रहें। तो सारे में आपको यही प्रोसेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेड्स बनाने हैं और आटे से कोट करते हुए जाना है। देखें अच्छे थ्रेड्स बने, जैसे जैसे थ्रेड्स बनेंगे और आटा से कोट होगा तो ये लाइट होता जाएगा और बहुत लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का होता जाएगा। ये देखें थ्रेड्स कितने ज़बरदस्त बन गए हैं अभी से। सारे आटे में इसको अच्छे से कोट करते जाएं और खींच खींच के थ्रेड्स बनाते जाएं। तो मैं इसी तरह कर रही हूँ, बहुत लच्छे बन गए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लच्छे बन गए हैं, ऐसे धागे धागे हो गए हैं बिल्कुल। तो बेसन और मैदे में मैं कोट करती जा रही हूँ, धीरे धीरे ये आटा पूरा ख़त्म हो जाएगा, चीनी पूरे को एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे जैसे आप थ्रेड्स बनाते जाएंगे खींचते जाएंगे वैसे वैसे आटा ख़त्म होता जाएगा, और लास्ट में हम इसे कप्स में सेट करेंगे और फिर कप्स को ओवर टर्न करेंगे तो वो अच्छे से बन जाएगा। ये देखें बिल्कुल लच्छेदार। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो ये बस बन गया है, आटा पूरा ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसे डाल देते हैं कप्स में और सेट करते हैं चक्की की पीसेस में। मेरे पास छोटी कटोरियां नहीं है तो मैं कप्स में सेट कर रही हूँ, अगर आपके पास कटोरियां हैं छोटी तो आप उसमें सेट करें। ये देखें कितने ज़बरदस्त लच्छे बने हैं, ये देखें धागा धागा, सारा धागा धागा और लच्छेदार है। ये देखें ज़बरदस्त, बिल्कुल आटा गायब हो गया है आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे सेट करते हैं कप्स में और फिर हम इसे ओवर टर्न करेंगे तो कप से ये आराम से निकल आ जाएगा। जैसे ही आप कप के पीछे टेप करेंगे दबाएंगे तो इसे कप में सेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। ऊपर मैंने बादाम रखी है, कप्स को ओवर टर्न किया था, ऊपर बादाम रखी तो ये बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, योर व्यूज़ मैटर्स लॉट, प्रेस बेल आइकन बटन। ये देखें कितना धागा धागा है, बिल्कुल लच्छेदार, ये बिल्कुल लच्छेदार टेस्टी। थैंक यू।